आजाद है इनकी सरकार, लाल टेन प्रदेश बना के रख दिया था इन्होंने मध्य प्रदेश को। हमारे बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते थे, खेतों में सिंचाई तक नहीं हो पाती थी, बिजली थी कहाँ। तो शिवराज ने आकर प्रदेश को रोशन कर दिया, पूरे प्रदेश का जीवन अंधकार में धकेल कर गए थे ये लोग। तो माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे, तब ये अपने बच्चों को विदेश भेजकर इतरा रहे थे। ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मेधावी बच्चों का हाथ थामा। अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलने लायक रास्ते तक नहीं छोड़े थे इन्होंने। वो तो जब शिवराज आया तब कहीं जाकर गली मोहल्ले और गांव शहरों में सड़कें दिखने लगी। अरे ऊंचे महलों में रहने वालों, तुम क्या जानो गरीब की तकलीफ को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जरूर दीजिएगा। याद है इनकी सरकार। ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरतों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। 10 सालों में बूंद बूंद के लिए तरसा दिया था फसलों को, खेत बंजर दिखने लगे थे। दर्द तो हमारा सिर्फ शिवराज ने समझा। किसान का बेटा है ना, गांव गांव में नहर और बिजली ले आया वो। अरे पानी, खाद और यूरिया तक के लिए तरसा दिया था इन्होंने किसानों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बुधनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह वोट मांग रही हैं। साधना सिंह घर घर जाकर अपने पति शिवराज सिंह चौहान के विकास के कामों का ब्यौरा देकर बीजेपी को जिताने की अपील कर रही हैं। बुधनी विधानसभा के नसरुल्लागंज में चुनावी घमासान तेज हो गया है। नसरुल्लागंज में साधना सिंह चौहान ने अपने पति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए जनता से वोट मांगे। हमारे संवाददाता कैलाश मीणा ने बताया कि साधना सिंह ने शिवराज और बीजेपी के शासनकाल में हुए विकास को लेकर जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि नसरुल्लागंज में शिवराज के विकास को पसंद किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में वो विकास कार्य हुए हैं जो कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में भी नहीं किए। साधना सिंह चौहान ने कहा जनता फिर से शिवराज को अपना आशीर्वाद और स्नेह देगी और फिर से शिवराज की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। अच्छा भैया तो सपोर्ट किया है, वो चीज़ तो आपने दिखाई नहीं है। और जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि जो बहन की नाराजगी भी वो होती है, कई जगह होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहती तो है कि मुझे भैया को देना है, क्योंकि भैया ने जो विकास के कार्य किए हैं वो 30 साल 50 साल पहले कांग्रेस ने नहीं किए थे। जो 15 साल में विकास के कार्य हुए हैं जो आपके भैया के कार्यकाल में ही हुए हैं। साधना सिंह ने नसरुल्लागंज के कई वार्डों के साथ किसान मोहल्ले में घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट देने की अपील की। साधना सिंह को उम्मीद है कि शिवराज सिंह रिकॉर्ड वोटों से विजयी होंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। याद है इनकी सरकार। जब ये दिल्ली में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे थे ना, तब एक शिवराज भैया ही थे जो हमारी लाडलियों की पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह की फिक्र मामा बनकर कर रहे थे। आधी आबादी का दर्द समझ में नहीं आता था इन्हें। अरे माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जिंदाबाद।
याद है इनकी सरकार, जब ये चांदी के बर्तनों में दावतें उड़ा रहे थे ना, तब शिवराज ही था जो 1 रुपए किलो में अनाज और 200 रुपए में बिजली देने में जुटा हुआ था। गरीब का पेट भरना तो दूर की बात, 10 सालों में कमर तोड़ दी थी इन लोगों ने। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, ये वही लोग हैं जो गरीबों की टपकती छतें देखकर अपना मुंह फेर लिया करते थे। वो तो मोदी आया तब जाकर हमारे सर पर पक्की छतें आई। गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबों का ही हक खा गए थे ये लोग। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। याद है इनकी सरकार, ये जब बुजुर्गों से पैर छुआ कर चौड़े हुए जा रहे थे ना, तो हमारा शिवराज उन्हीं बुजुर्गों को माँ बाप मान के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। आज वोट लेने की बारी आई तो बुजुर्गों को गले लगाने का ठोंग कर रहे हैं ये लोग। ए माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दें।